सो हाय एंड आई एम डूइंग द वॉइस ओवर दिस वीडियो बिकॉज पति ने आज ना कुछ कमाल का बनाया है और वो बनाने के बाद वो तो बहुत थक गए हैं, तो वो कुछ नहीं करना चाहते, सिर्फ इन्जॉय करना चाहते हैं। तो ये मैं बता देती हूँ, गुलाब जामुन तो आपको दिख ही रहे हैं। तो आज बताने इनको कैसे गुलाब जामुन की आइसक्रीम बनाने का आइडिया आ गया फ्रिज में गुलाब जामुन देख के। तो अभी ये गुलाब जामुन एक्चुअली बहुत टाइट हो चुके हैं बिकॉज ठंडे थे ना, तो आई एम सजेस्टिंग कि स्पून से नहीं फोक से ट्राई करो तो ये हो जाएगा, क्योंकि जब तक वाइफ नहीं बताएगी तो पति को तो ये नहीं पता चलता ना कि किचन में कैसे काम करना है। सो उसके बाद सबसे पहले जो करना था, गुलाब जामुन ले लो जितने भी हैं, जितनी आइसक्रीम बनानी है, और उसके बाद उनको ना बिल्कुल ऐसे पीस लो, मतलब फोक से हो जाएगा आसानी से। और यहाँ पर तो ये जो गुलाब जामुन थे काफ़ी हार्ड हो रखे थे क्योंकि फ्रिज में रखे हुए थे ना, तो इसलिए फाइनली मुझे करना पड़ा, तब जाके ये हुए। एंड उसके बाद क्या करना है मुझे भी नहीं पता, यही बता सकते हैं। तो उसके बाद ये क्या कर रहे हैं देखते हैं। यहाँ पे एक्चुअली ही इज़ लाइक रियली एक्साइटेड कि गुलाब जामुन तो इतने पसंद है और उनका कुछ बन रहा है, वो भी गुलाब जामुन की आइसक्रीम बन रही है, तो ही इज़ लाइक वेरी एक्साइटेड। और बल्कि इनको इतना मीठा पसंद है, तो मैं इनको यही कह रही थी कि आपको इतना मीठा पसंद है कि गुलाब जामुन तो छोड़ो, आपको चीनी भी बहुत अच्छी लगती है, आपको तो गुड़ भी बहुत अच्छा लगता है, मतलब मीठा कुछ भी मिल जाए, ही इज़ लाइक लविंग दैट। खाने में जब तक कुछ मीठा ना होना, ही विल नॉट ईट हिज फूड, ही इज़ जस्ट लाइक दैट। तो उसके बाद इन्होंने मुझे बोला कि दूध ले आओ, तो फुल क्रीम दूध लिया है यहाँ पर, और उसी से आइसक्रीम बैटर जमेगी, ठीक है, तो वही ले लेना। क्योंकि यहाँ तक मुझे बिल्कुल नहीं पता कि ये कैसी रेसिपी बनने वाली है, क्योंकि ना मैंने देखी थी ना मैंने सुनी थी, तो जो भी आइडिया था वो इन्हीं का ही था। तो आई वॉज़ लाइक ऑल्सो के पता नहीं क्या बनने वाला है और खाने लायक होगा भी या नहीं, हालांकि दूध और आइस गुलाब जामुन ही तो है तो ठीक ही होगा, बट स्टिल मैं थोड़ी चूज़ी हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चलता खाने में, थोड़ा देख के खाती हूँ, तो ये अगर ख़राब भी होता तो ये तो खा ही लेते बिकॉज मीठा है। तो ये लाइक डूइंग इट कि चलो ठीक है बना लेते हैं। तो फिर एक जिस बर्तन में भी आपने गुलाब जामुन को मैश किया उसी में दूध मिक्स कर दो, क्योंकि यहाँ पे ये यही कर रहे हैं। और उसके बाद क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे इनको, मिक्स 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 कर देंगे। हाँ बिल्कुल ठीक, मिक्स कर रहे हैं अच्छे से। अच्छा वैसे इसमें ना ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी डाल सकते हैं अगर आपको किशमिश काजू वगैरह बहुत पसंद है, क्योंकि उस टाइम तो ये पूरी रेसिपी इन्हीं की थी, तो इसलिए आई वॉज़ नॉट अलाउड टू डू एनीथिंग। तो पर अगर आपको किशमिश काजू एंड ऑल दैट सब कुछ पसंद है तो आप वो डाल सकते हो इस आइसक्रीम में, अच्छा लगेगा खाने में। और उसके बाद इन्होंने बोला कि इसको गैस पे भी रख देते थोड़ा इसको गर्म करने के लिए, आई रियली डोंट नो वाई, शायद मेरा आइडिया होगा बिकॉज ना मैं बोल रही थी कि थोड़ा ना थिक हो जाएगा ना, तो कंसिस्टेंसी थोड़ी अच्छी हो जाएगी, हालांकि ऑलरेडी थिक था पर वो गुलाब जामुन की वजह से था, लेकिन इसको थोड़ा गर्म करके थिक करोगे ना तो अच्छा हो जाएगा ये, पर क्योंकि इन्होंने ऐसा बर्तन रखा है गैस के ऊपर तो ये जल जाता, तो इसलिए मैंने इसको ज़्यादा गर्म भी नहीं किया। तो गर्म करना ना करना ऑप्शनल है, वी वर जस्ट ट्राइंग अ न्यू रेसिपी, सो हमें भी नहीं पता था कैसी बनने वाली है। बट एज़ फार एज़ कंसर्न तो अभी तक तो सिर्फ दूध और गुलाब जामुन को मिक्स कर रहा है, तो वो अच्छा ही बनेगा, उसमें क्या बुरा जा सकता है। बट वी वर इन्जॉइंग द प्रोसेस और अच्छा लग रहा था कि पहली बार पति ने कहा है कि मैं कुछ बनाता हूँ। ओके इनको देखो मीठा कितना पसंद है, इसमें भी इन्होंने और मेरे से शक्कर डलवाई है, एक्चुअली खांड है, शक्कर बूरा खांड, शक्कर तो ब्राउन कलर के होते हैं ना, तो ये खांड या बूरा में से कुछ है वो डलवाया इन्होंने मुझसे, बिकॉज चीनी मैं कम अवॉइड करती हूँ, मतलब कि नहीं डालें हम, यूज़ ना करें, तो इसीलिए। और उसके बाद इसको एक बॉक्स में रख दिया है, क्योंकि अब इसको फ्रीज़र में रखना है आइसक्रीम बनाने के लिए, तो इसीलिए इसको एक डब्बे में रख देंगे, अच्छे से क्लोज़ कर देंगे ऑब्वियसली, क्योंकि क्लोज़ नहीं करते ना तो एक लेयर बन जाती है ना आइसक्रीम पे बर्फ़ वाली, तो इसीलिए मैंने बोला क्लोज़ करके ही बनाएंगे, तो क्लोज़ करके इसको बना देंगे फिर, और उसके बाद ले जाके इसको रख देंगे फ्रीज़र में। ये देख लेते हैं अभी, फ्रीज़र भी आ ही जाएगा क्योंकि फ्रीज़र में रखना तो है ही। सो फ्रीज़र में तो इसको या तो ओवरनाइट रख दो, तो ओवरनाइट रख लो, या फिर वही बात है कि इसको इतनी देर तक रख लो जब तक कि पूरी हार्ड नहीं हो जाती। तो फिर उसके बाद हम ऐसे देख रहे थे कि जमी तो सही है, जब पूरी प्रॉपर जम जाती है ना आइसक्रीम खाने का तभी मज़ा है, मुझे तो मतलब बिल्कुल ठंडी पसंद है। तो अब इसका रिव्यू देख लेते हैं कि कैसी बनी थी, जितनी देर में आप खोल रहे हो उतनी देर में तो दोबारा पिघल जाएंगे।
कैसी है? जम तो जम गई। तो गई है अच्छे से। हाँ तो ये लग रहा है, इससे देखो क्या खा के तो देखो, कैसी खा के तो बताओ क्या कैसी है। देखो जमाई तो है हमने, ठीक है। हाँ गुब्बू से पूछते हैं। ओके बुबू हेलो बोल दे भाई। हेलो कैसी बनी है? है तो टेस्टी। सच में? हाँ। किस चीज का फ्लेवर है, क्या लग रहा है, किस चीज की आइसक्रीम है? गुलाब जामुन। इन्होंने पहले से बता रखी इसलिए तेरे को ऐसा लग रहा है। फ्लेवर है। चलो आप खा के बताओ। पति के सामने सच बोलने की हिम्मत सिर्फ पत्नी में है, मेरे को खिलाओ पता चलेगा। फिर मेरे को दिखा रही है ये डिलीट कराऊंगा ये पोर्शन। उई है तो टेस्टी, एक नंबर की। तो यार फाइनल वर्डिक्ट तो यही है कि आइसक्रीम एक नंबर की बनी है, बना के खानी चाहिए, एक बार ट्राई करके जरूर देखना, बहुत अच्छी बनी है। ये तो शर्मा रहा है, तू ही बता दे कैसी बनी है। बहुत अच्छी बनी है ना, और है गजब की, मजा आ गया।